आज एक जेके टायर फैक्ट्री में खानपुर में हूँ लक्सर रोड पे, और यहाँ पर एक लड़का एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया था। तो 24 घंटे हो गए थे, तो बिहार का बच्चा था, उसको लाने जाने में इतना खर्चा था, तो फैक्ट्री वालों ने काफ़ी देर लगाई। और यहाँ पर यूनियन सारी इकट्ठी थी, कई सौ लोग इकट्ठे थे, हज़ारों तादाद में लोग थे, 6,500 लोग काम करते हैं यहाँ पर। और फिर मैं भी आई, और पिछले एक दो घंटे से जद्दोजहद चल रही थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया, हल्ला उल्ला किया, और बाकी जो यहाँ के पदाधिकारी थे और वो मैनेजमेंट से बात की है, अभी उन्होंने कहा भाई आप लोग आपसी खर्चा कर लो और मैनेजमेंट देगी पैसा, जो भी बिहार आने जाने का खर्चा होगा और वो डेड बॉडी ले आने का। तो बहुत दुख की बात है, पहले तो हॉस्पिटल फैक्ट्री वालों को खुद उसको ले जाना चाहिए कि लोगों को यूनियन बार को खड़ा होने की जरूरत ना पड़े, इतने तादाद में लोग आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इनकी ड्यूटी बनती है। और मैं खास तौर से आपके माध्यम से पूरी इंडस्ट्री वालों को बता देना चाहती हूँ, हादसा किसके साथ भी हो सकता है, अगर काम ये लोग कर रहे हैं तो इनके साथ कोई हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी भी इनको लेनी चाहिए। और आइंदा से आपके माध्यम से समस्त इंडस्ट्री वालों को बोलना चाहती हूँ, ये मेरा उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और मेरे उत्तराखंड में इस तरह का नहीं होना चाहिए दोबारा। अभी तो इन्होंने सेटल कर लिया, और आइंदा से इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक डेड बॉडी खड़ी है ये कहने के लिए कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे बिहार तक जाना है, तो बड़ा दुख लगता है। और ये मैनेजमेंट को भी सोचो, यहाँ के प्रतिनिधि कोई नहीं आते हैं, बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो कि जो काम प्रतिनिधि का है वो ये लोग कर रहे हैं, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, यूनियन वाले लड़ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस उत्तराखंड में है, जिसका धीरे धीरे अगर ये लोग मुझे लोकसभा जिताएंगे तो इनकी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होगी।